जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, एक नेता से कुछ बोलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बोलवाते हैं, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है ऐसे तिरस्कार कर रहे हैं। इनको क्या लेना देना कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जेडीयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि वो लोग जाति पर बात करते हैं। दरअसल जिस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले दिनों एक विशेष समाज को लेकर के बयान दिया था, भूमियारों को लेकर दिए गए बयान को लेकर हर जगह जहाँ सियासत तेज है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आने वाले समय में हम मध्य वर्ग और गरीब वर्गों के लिए काम करते रहेंगे रेलवे में। देखिए, पहली बात तो रेलवे का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया, और जहाँ तक गरीबों की बात है, गरीबों के लिए काम तो लालू जी ने किया है जब रेल मंत्री थे। हर बजट में जो है किराया कम करते थे लालू जी। रेलवे को जो है मुनाफा जो है 90,000 करोड़ का दिलाया गया, और मुनाफा के बावजूद भी आप देखिएगा कई प्रकार के जो ट्रेन जो गरीब एसी में सफ़र नहीं कर पाता था, उनके लिए गरीब रथ जैसा ट्रेन जो है लालू जी ने चलाने का काम किया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एसी में सफ़र कर सके। तो लालू जी ने जो काम किया किया, लेकिन आजकल तो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की ऐसी स्थिति कर दी है कि ट्रेन समय पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट ट्रेन का समय पे ज़रूर होता है। कितनी घटनाएं हुई हैं ट्रेन पर। रेल हादसे को लेकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एक खास तबका है जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, पुल भी उखाड़ रहे हैं, है ना, ट्रेनों का एक्सीडेंट करा दे रहे हैं, सब कुछ करा दे रहे हैं, तो लोग बैठा कह ला सत्ता में, पकड़े कौन है चोर, कौन है दोषी, क्या नहीं पकड़ना, खाली बयानबाजी करने से। उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया, इसलिए वहां पर हारे उनके सांसद। आप एक बात समझ जाइए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बोलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बोलवाते हैं, इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है, लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते कि भाई बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसी दी जाए, पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें, चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है ऐसे तिरस्कार कर रहे हैं। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो MP हैं, उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा, और खुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं। इनको क्या लेना देना कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को एक बार फिर से हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि झंडी तो दिखाते हैं लेकिन इतने जो हादसे होते हैं उस पर भी काफी ज्यादा वो आक्रामक नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।